ऑडियो स्क्रीन ओके एक बार चेक कर लीजिए ओके okay. ओके okay. स्टार्ट करते हैं सेशन। और बस आईपी सर्विसेज के बाद हमारा एक मॉड्यूल वायरलेस कवर करना है फायरवॉल और सारी चीजें और इस वीक के बाद आप लोगों का प्लान थोड़ा सा चेंज होगा टाइम और चीज़ों को लेकर तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे की सर्विस जो कि है सिस सर्वर सो so, सिस सर्वर क्या है और यूज़ क्या करना होता है इसमें करना क्या होता है सारी चीजें डिस्कस करेंगे बट एक छोटा सा लैब टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा लैब सेटअप करता हूँ दो राउटर मैं इधर ऐसे ले लेता हूँ तीन राउटर ले लेता हूँ राउटर वन टू और अगर इन राउटर्स के साथ मुझे कोई एंड पॉइंट डिवाइस से कुछ ऐसा लेना है तो मैं इधर कुछ कनेक्ट कर लेता हूं इंडस्ट्रीज में जब आप किसी ऐसी टोपोलॉजी और इसके साथ काम करेंगे तो बहुत से ऐसे सीनियर इंजीनियर होंगे जो आपको बनी बनाई फाइल शेयर करते हैं उसको आपको अपने राउटर पर क्या करना होता है रन करना होता है ऐसा कोई करता है अभी या कोई इस प्रोफाइल पर वर्क कर रहा है एज अ राउटर या राउटिंग स्विचिंग पर हेलो थोड़ा सा बात करते हुए बताएंगे हाँ ना कुछ नहीं नो सर सभी इतना रिलैक्स रहते हैं सभी लोग अभी तो प्रोफाइल आगे मिलेगी तो देखेंगे ध्यान देंगे फिर अभी से ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नेटवर्क सेटअप किया है और तीन राउटर के साथ ही हमारा छोटा सा नेटवर्क सेटअप है जिसमें हमारे पास एक एक सर्वर है सीखो लाइव डॉट कॉम और ये सर्वर हम लोगों का डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेस रन कर रहा होगा लाइक डी एन एस डीएससी पी सिग एफ टी पी और एन टी पी एंड और भी बहुत सारे ऐसे नेट वगैरह भी हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको देखेंगे इवन देन पर वगैरह और भी चीजें आप मैनेज कर सकते हो तो अभी मुझे डी एन एस डी एस सी पी तो मैंने राउटर और इस पर सेटअप किया यहाँ पर मान लिया कि कोई हमारा वेबसाइट भी चल रहा है आई आई एस वेब सर्विस जिसको हम लोग एच टी टी पी या फिर एच टी टी पी एस बोलते हैं ये और इस सर्वर का आईपी मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ एक लैब सेटअप कर रहा हूँ फाइनल लैब सेटअप आपका एक हंड्रेड डॉट हंड्रेड है डीएनएस सर्वर है हमारा और गेटवे हमारा है ऐसे कुछ करके गेटवे है अब ये जो सर्वर है ये हमारा राउटर टू पर है मीन्स हमारा एक अनदर नेटवर्क है नेटवर्क टू ले लेते हैं कुछ भी ऐसे इधर हमारा जो सर्विस रन हो रहा है वो है टू हंड्रेड डॉट वन और पीसी जीरो जो क्लाइंट है ये टू हंड्रेड की रेंज में एक आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है इधर हम लोग वन वन जीरो जीरो की रेंज में एक नेटवर्क ले लेते हैं पी सी फोर को एक आईपी दे देते हैं इसी रेंज में ये अब राउटर वन राउटर जीरो राउटर वन राउटर टू ये सारी कन्फिग्रेशन भी हमें करना है और फिर इसी में हम लोग सिस एन टीपी सारा कन्फिग्रेशन को मैनेज करते हुए करेंगे और इस पीसी को आईपी दे देते हैं फाइनल वन सेवेंटी टू वन सिक्सटी एट जीरो डॉट टू हंड्रेड जीरो डॉट वन हमारी कंपनी में एक वेब सर्वर भी है या डीएनएस सर्वर भी है तो अभी क्या आईपी होगा हमारे वेब डीएनएस सर्वर, सर्वर का या डीएनएस सर्वर की आईपी क्या होगी कौन बताएगा क्या आईपी एड्रेस होगा .100 .100. Right. So है. और अगर इस वेब सर्वर को मुझे एक्सेस करना है तो डी एन एस सर्वर की एंट्री हमें अपने होस्ट को देनी पड़ेगी है ना तभी वो हम वेबसाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे अब ये इंफॉर्मेशन हो गया और इसको करते हैं मिनिमाइज ऐसे हमारे पास इस मशीन को कन्फिगर करते हैं जो कि सर्वर है और ये है वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट हंड्रेड डॉट हंड्रेड ओके ये मैंने कन्फिगर कर दिया मिनिमाइज़ करते हैं इस पे और भी सर्विसेज में आकर अगर मुझे डीएनएस सर्वर कन्फिगर करना है तो कर सकते हैं नेम दे देंगे मान लिया मैं देना चाहता हूँ सिको लाइव डॉट कॉम और इसका आईपी एड्रेस मैंने दे दिया और इसको ऐड करके सेव कर दिया हमारा ऑन हो गया इसके अलावा यहाँ पर सिसलॉक्स सर्वर भी ऑन करके रख देते हैं क्योंकि यही हम लोग कन्फिगर करने वाले हैं कंपनी में आपको सिसलॉक्स सर्वर का एक एप्लीकेशन मिलता है और हम लोग अभी सेटअप करके देख लेंगे वो कौन से एप्लीकेशंस हैं बस उसको किसी भी मशीन पर इंस्टॉल कर दो वो सिस्लॉक सर्वर का काम करना है स्टार्ट कर देता है बट इन प्रोडक्शन हाउसेस यू विल लर्न मोर अबाउट नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड अदर टूल्स लाइक पी आर टी जी सर्वर स्प्लंक सर्वर आई बी एम क्यू ये सब आपको सर्वर मिलेंगे जिस पर आप अपना मॉनिटरिंग स्टार्ट करते हो So, कोई है आप में से जो आ, सर्वर मॉनिटरिंग या नेटवर्क मॉनिटरिंग पर काम कर रहे जैसे एनओसी इंजीनियर या कुछ भी ऐसे उनको इस टूल के बारे में अच्छे से पता होगा हेलो सर एचपी एन एन एम आई टूल पे नेटवर्क मॉनिटर करते हैं सर इस पर एच पी एन एन एम आई बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिसको यूज किया जाता है तो आई थिंक आपके सी सी एन ए में मैंने एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड किया हुआ है मॉड्यूल नंबर सेवन ओके ये सी सी एन ए का सिलेबस ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ये एक्स्ट्रा सेशन यहाँ पर लिखा हुआ है आपको ऐड करके मिल रहा है एक्स्ट्रा सेशन अगर आपको नेटवर्क मॉनिटरिंग पढ़ना है तो इस सीरीज को पढ़ लेंगे ये ये वीडियो शायद मोबाइल पर ना चले तो कोई भी ऐसा वीडियो जो मोबाइल पर ना चले उसके अंदर कुछ ऐसे लैब हैं जो कि मोबाइल डिवाइस के लिए प्रॉपर कैपेबल नहीं है तो आप कोशिश करके उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे यूट्यूब पर है ना आपका वो वीडियो जस्ट डेस्कटॉप वगैरह पर देखेंगे तो ऑटोमेटिक चल रहा होगा कोई दिक्कत नहीं होगी क्लियर हुआ तो ये पूरा तो, सेशन तो, आप चाहो तो मॉनिटरिंग अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो बट इन प्रोडक्शन हाउसेस आर इन इंफ्रास्ट्रक्चर आर कंपनी कंपनी प्रोवाइड इंटरनल ट्रेनिंग अबाउट मॉनिटरिंग टूल एंड ऑल राइट तो इसके बारे में कंपनी इंटरनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो so, अगर आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर जॉब कर रहे हो और आपको अचानक कंपनी सिक्योरिटी और कुछ ऐसे पे वर्क कर रही है तो आप ऑलरेडी सिक्योरिटी कोर्सेस कर रहे होंगे नहीं कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा पीआरटीजी सर्वर को समझने के लिए अब इंटरनेट पर देखेंगे तो हजारों टूल हैं मॉनिटरिंग के लिए सब चीज़ तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता मैक्सिमम जो इंडस्ट्री में टॉप सर्विसेज या टॉप लेवल पर इस्तेमाल होने वाले में से एक पीआरटीजी मॉनिटरिंग टूल है बहुत बड़े लेवल पर इंटरप्राइज नेटवर्क वर्ल्ड वाइड आपका कंपनी का सर्वर है वहां से सभी चीजों को ये मॉनिटर करने के लिए कैपेबल है वन मंथ के लिए फ्री लाइसेंस मिलेगा इसमें सारा प्रोसेस बताया गया है आप इसको देख सकते हो राइट तो अभी हम लोग देखने वाले हैं यहां पर लॉग राइट तो आई थिंक यहाँ पर आई पी वर्जन सॉरी मॉड्यूल फोर में मैं यहाँ पर अभी सिसलॉग सर्वर जो है यहाँ पर ऐड है आई थिंक मुझे लगा ऐड नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा ये सिसलॉग सर्वर ऑलरेडी ऐड है और एस एन एम पी दोनों ऐड रहेगा और एन टी पी भी आज हम लोग देखेंगे तो एन टी पी सिसलॉग एंड एस एन एम पी इससे पहले डी एन एस डी एस सी पी हम लोगों ने देखा था तो ये पूरा देख लेंगे आप लोग कोई भी लेक्चर अपडेट वहाँ करना होगा तो वो अपने एंड से हम कर देंगे अब कंपनी के अंदर मैंने बोला कि आपको बहुत से ऐसे रनिंग नेटवर्क में आपको नोट पैड नई फाइल मिल जाती है जिसको रन करना होता है सिस लॉग एंड टीपी एंड ये हम लोग मैनेज करने वाले हैं तो सिस्लॉग क्या होता है क्या करता है लॉग मॉनिटरिंग प्रोसेस जो होता है या हमारी डिवाइसेस अप है डाउन है पोर्ट इंटरफेस प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है हमारे डिवाइस पर लोड कितना है कौन से नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम चल रही है एक तरीके का मॉनिटरिंग टूल है सिस्लॉग सर्वर को इनेबल करना जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने नेटवर्क डिवाइसेस को मॉनिटर करते हैं तो एक तरीके का एक लॉगिंग प्रोसेस है सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग प्रोसेस है ना टू डिटेक्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि आप बोल सकते हो टू ऑप्टिमाइज सिस्लॉग यूज टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क सर्विसेस राइट एक कंपनी में ये सब टूल्स क्या करते हैं नेटवर्क सर्विसेस और इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं रिपोर्ट्स वगैरह को मेंटेन करते हुए टीम्स मैनेज करती इन सारी चीजों को तो यहां पर आप देखो मैंने क्या किया एक जो लैब डिजाइन किया इसमें मैंने राउटर वन लिया ध्यान देना राउटर वन लिया एंड राउटर टू लिया राउटर थ्री लिया राउटर वन पर देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है ये राउटर वन है अब राउटर वन के लिए मैं एक इंटरफेस लेता हूँ टेन जीरो जीरो वन और इधर मैं ले लेता हूँ टेन जीरो जीरो टू ये मेरा एक नेटवर्क है ये कुछ भी हो सकता है आप एक्स वाई जेड सबनेटिंग के साथ या जो भी लेना चाहें ले सकते हैं इधर मैंने लिया इलेवन जीरो जीरो वन विथ इलेवन जीरो जीरो टू आई पी हाइड नहीं होनी चाहिए सब सामने दिखे ताकि हम नेटवर्क को अच्छे से मैनेज कर पाए और इधर के लिए हम ले लेते हैं ट्वेल्व जीरो जीरो वन ट्वेल्व जीरो जीरो टू अब यहाँ पर राउटर वन के पास हम एक निप फाइल क्रिएट करते हैं तो इंटरफेस एफ जीरो स्लैश जीरो है ना अब देखो एफ जीरो स्लैश जीरो सीरियल के दोनों पोर्ट की आई और इन सभी नेटवर्क में मैं ई आई प्रोटोकॉल इनेबल करने वाला हूँ है ना और पूरी फाइल कैसे बनाएंगे इस फाइल से आप अपने कन्फिग्रेशन या किसी भी राउटर पर बस कॉपी पेस्ट कर देंगे आपका ई आई जी हो जाएगा ओनली ई आई अदर राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए आपको प्रोटोकॉल में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा तो एफ जीरो स्लैश जीरो आई पी एड्रेस यहां से अगर आप डायरेक्ट राउटर पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो काम नहीं करेगा इनेबल करना होगा कॉन्फटी होस्ट आर वन इंटरफेस एफ जीरो स्लैश जीरो आई पी एड्रेस वन नाइन टू वन सिक्स एट टू हंड्रेड डॉट वन मास्क समझ में आ रहा है सबको ये समझो राउटर पर डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा ऐसी फाइल भी मिलती है कंपनीज के अंदर आई थिंक आप में से किसी ने बोला भी तक फाइल या कमांड्स मिलती है बस रन कर देना होता है है क्या कोई ऐसा हेलो हेलो यस सर मिलता है ऐसा हाँ सर वो बैकअप फाइल मिलता है जो न, मतलब नया कॉन्फिगरेशन करने टाइम है हाँ वो प्रीवियस आपका अप्लाई हो जाता है और न्यू आपको जो करना है कर सकते हो तो हाँ जैसा भी हमें नीड होती है वैसे मिल जाता है डाटा डेटा हाँ वो होस्ट नेम और कुछ कुछ चेंज करना होता है हम्म तो कुछ यहाँ पर, पर, पर हमने सीरियल जीरो लिया और सीरियल जीरो पर देखो क्लॉक बना हुआ है जिसका आईपी एड्रेस है टेन और सबनेट मास्क क्लॉक रेट सॉरी यहीं पर नहीं होगा ना क्लॉक स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए अदरवाइज ये काम नहीं करेगा नो शट डाउन इंटरफेस सीरियल जीरो स्लैश वन आईपी एड्रेस इलेवन जीरो जीरो वन राउटर ये जी आर पी टेन नेटवर्क वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट टू हंड्रेड डॉट जीरो नेटवर्क वन वन ज़ीरो 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 नेटवर्क टेन ज़ीरो 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 बस पहले पर हमारा कन्फिग्रेशन हो गया सेकेंड राउटर पर आ जाते हैं नेबल कॉन्फ्टी होस्ट आर टू इंटरफेस एफ जीरो स्लैस जीरो अब दूसरा राउटर मैं इधर मानता हूँ वन सेवेंटी टू वाले को ठीक है तो बताओ क्या होगा आईपी हो गया सीरियल पोर्ट क्या है जीरो स्लैश जीरो है इसका आईपी एड्रेस क्या होगा टेन जीरो जीरो टू और एस जीरो वन का है ट्वेल्व जीरो जीरो वन आ, अगर कहीं गलत हो तो ध्यान देना आप लोग आईपी एड्रेस ट्वेल्व जीरो जीरो वन डायग्राम देखकर मैं कन्फिगर कर रहा हूँ शट डाउन आई थिंक सारे इंटरफेसेस कन्फिगर हो गए सीरियल जीरो सीरियल वन विथ आईपी एड्रेस नाउ राउटर ई आई जी आर पी टेन टेन टेल्व और हो गया राउटर थ्री पर आ जाते हैं जीरो स्लैस जीरो क्या है तो शट डाउन सीरियल जीरो जीरो कितना है ट्वेल्व है टू की रेंज में सही है ना सब हाँ सर सही है ठीक है ये अब देखो ये कन्फिग्रेशन जस्ट मुझे कॉपी पेस्ट करना है और राउटर वन पर आना है और जस्ट अगर मैं वहाँ पर नो ऊपर लिख दूँ तो मुझे नो भी लिखने की जरूरत नहीं है राइट और यहाँ से जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा कंप्लीट कन्फिग्रेशन अप्लाई हो गया कहीं कोई एरर नहीं दिख रहा है अदरवाइज हम उसको जरूर क्रॉस वेरिफिकेशन करते मीन सब कुछ ओके दूसरे राउटर पर आना है और जस्ट मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है और इस वाले राउटर को भी मुझे नो पेस्ट कर देना है सब अप्लाई हो गया ना राउटर थ्री कॉपी इधर आ जाते हैं पेस्ट डन आई थिंक आप देखो इधर कॉन्फ़िगरेशन हमारा ओके हो गया और ये राउटर वगैरह पर सब कुछ था मैं अगर इसको पिंग करता हूँ वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट हंड्रेड डॉट हंड्रेड से okay. तो थोड़ी देर में रिप्लाई आएगा हालांकि कन्फिग्रेशन बहुत जल्दी हो गया है तो रिप्लाई में थोड़ा टाइम लेगा बट आ जाएगा तो कहाँ पर प्रॉब्लम है कैसे चेक कर सकते हैं सो आई पी रूट तो देखो डी तो कन्फिगर है ना हमारा इलेवन है वन नाइन्टी टू है और टू हंड्रेड दोनों नेटवर्क है सीरियल पोर्ट और सभी इंटरफेसेस को देखो पहले राउटर इधर राउटर पर ट्वेल्व जीरो जीरो टू है इलेवन जीरो जीरो टू है अप भी है वन नाइनटी टू हंड्रेड वन है हंड्रेड वन है इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम नहीं रिप भी अप्लाई है क्या सब कुछ तो ओके है फिर ये रिप्लाई क्यों नहीं ले रहा है अभी इसको सॉल्व करो आप लोग गेटवे देख लो सही है ना इधर हाँ इस पर गेटवे सही है हाँ राउटर टू राउटर टू पर वन सेवेंटी टू विथ आई पी सबनेट मास्क टेन जीरो जीरो टू भी ओके okay है नो शट डाउन सीरियल वन भी ओके okay है ट्वेल्व के साथ क्लॉक रेट भी दिया है नो शटडाउन ई आई जी टेन टेन ट्वेल्व वन सेवेंटी टू सब कन्फिगर है बट आई थिंक ये कोई लूप या कुछ ऐसा है जो कि हमारा आ, फाइल के थ्रू जो डायरेक्ट कन्फिग्रेशन को सपोर्ट नहीं किया अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं इलेवन जीरो जीरो टू तो देखो ये हंड्रेड परसेंट इलेवन जीरो जीरो टू इससे बात कर रहा है पिंग ट्वेल्व जीरो जीरो टू भी कम्युनिकेट है पिंग हंड्रेड डॉट वन भी कम्युनिकेट कर रहा है एक बार यहाँ से रिप्लाई ले लेंगे है ना हर राउटर को एक दूसरे से रूट करवा दें, देस रिप्लाई दिला देंगे ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ताकि राउटर को पाथ अपडेट हो जाए और फिर आई थिंक आपका जो प्रॉब्लम अभी नजर आ रहा है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा वो सॉल्व हो चुका होगा राउटर थ्री पर वन सेवेंटी टू वन सिक्सटी एट जीरो डॉट वन से रिप्लाई लेने में कुछ इश्यू आ रहा है नॉट अपडेटेड कुछ ऐसा इंटरफेस स्पेस एफ जीरो स्लैस वन ओ ये पोर्ट नो शट डाउन नहीं था Means मैंने नो शट डाउन लिखा तो यहाँ पर अपडेट आया यहाँ पर ग्रीन भी हो चुका था लेकिन कमांड एक बार अप्लाई हुआ तो राउटर आई थिंक उसको मैनेज नहीं कर पाया है ना क्यों ऐसा लग रहा है, है? कमांड हुआ था सर कोई नहीं एक काम करते इंटरफेस जीरो स्लैश वन ये क्या नो 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 एफ जीरो जीरो है आईपी एड्रेस पूरा डाला और इस राउटर से अगर मैं रिप्लाई ले रहा हूं ये तो रिप्लाई दे रहा है सभी से है ना बट राउटर थ्री जो है ये रिप्लाई नहीं ले रहा है किससे तो, तो इंटरफेस ऑफ जीरो स्लैश जीरो नो शट डाउन वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट हंड्रेड डॉट वन कन्फिग्रेशन थोड़ी बढ़ गई राउटर थ्री पर देखिए पहला इंटरफेस सीरियल वो इंटरफेस सीरियल जीरो स्लैश जीरो क्या आईपी है म्यूट कर लो किसी की तरफ नॉइज है ना नहीं करना म्यूट नेटवर्क अब अपडेट हुआ है ठीक है तो अभी रिप्लाई आना चाहिए टू हंड्रेड वन से आ रहा है रिप्लाई और वन हंड्रेड और वन हंड्रेड से भी आने लगा तो सब अप्लाइड था बट थोड़ा सा मैनुअल वगैरह भी सॉफ्टवेयर के अंदर बस ऐसा होता है रियल इन्वायरमेंट में जब ऐसे रखेंगे तो आई थिंक सपोर्ट करेगा काम भी करेगा क्योंकि रूट भी कन्फ्यूगर था इंटरफेस भी सब था मैंने चेक भी किया बट वही थोड़ा टाइम लिया होगा या मैंने मैनुअल एंट्री किया तो इसने अपने आप अपने आप को तुरंत अपडेट कर लिया फिर हमारा रिप्लाई आ रहा है तो सभी रिप्लाई आ रहा है सारा नेटवर्क मेरा कन्फ्यूगर हो गया और यहाँ तक के लिए अगर आपको राउटर की कन्फिग्रेशन सेव करना है तो मैंने राइट कर दिया राउटर जीरो पर मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया राइट कर दिया यहाँ तक की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया सेव हो गया और मैंने राउटर थ्री को भी क्या कर दिया राइट कर दिया ठीक, ठीक है डब्ल्यू आर तो ये हमारा सेव हो गया अब हमें क्या देखना है सिस्लॉग तो सिस्लॉग मैंने बताया कि सिसलॉग अलाउ यू टू कन्फिगर लॉग सर्वर और सेंट्रलाइज्ड लॉग सर्वर तो जो भी नेटवर्क के ड्यूरेशन एक्टिविटीज होगी उसका सभी का ये जो सिस सर्वर है आप सर्विसेज के अंदर जस्ट यहाँ से इनेबल कर देंगे और ऑन कर देंगे तो जो भी मान लिया कि कोई पोर्ट डाउन होता है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर ये जनरेट कर देगा और इंडस्ट्री में जब आप मॉनिटरिंग सर्वर कोई भी परचेज इस्तेमाल करते हो तो उसमें ऐसे ऐसे सेटिंग्स होती है कि ईमेल भी आ जाता है तुरंत सर्वर पर या एडमिनिस्ट्रेटर टीम जो होगी उसको एक ईमेल मिल जाता है एरर ईमेल या ऐसे कुछ करके तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है क्यों क्योंकि जो भी हमारा लॉग सर्वर होता है ना नोट डाउन अलर्ट जो आता है ना, कोई नोट हाँ, होता अलर्ट, है नाटडाउन तो. अलर्ट हाँ कुछ भी जैसे कि मान ले कोई नेटवर्क इंटरफेस डाउन हो गया सर्वर डाउन हो गया तो मे भी टाइम लगे टीम को पता करने में तो उससे बेटर है कि तुरंत अलर्ट मैसेज आए या फिर मॉनिटरिंग टीम तुरंत उसको डिटेक्ट कर ले तो वो अलर्ट मैसेज जनरेट होता है तो ये जो अलर्ट मैसेज होता है ना अलर्ट मैसेजेस जो होते हैं ये यहां पर सेवन टाइप्स के लॉग सर्वर में देखने को मिलते हैं राइट कोई भी एसएसएस एस लॉग सर्वर अगर आप देखेंगे तो टोटल सेवन टाइप्स के ये लॉग सर्वर मिलेंगे एक मिनट जो कि ये टोटल सेवन टाइप्स के ये अपडेट देखने को मिलेंगे यही मैंने अपडेट किया हुआ है जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस में है मॉनिटरिंग एक्स्ट्रा सेशन करके ये इसी टूल के बारे में है और इसी में आपको डाउनलोड भी करने का सारा ऑप्शन इसमें बताया गया है ठीक है तो मैं इसी पर इसीलिए लेकर आया अब देखो यहाँ पर टोटल क्या है एक तरीके का जीरो टू सेवन मीन्स टोटल सेवन टाइप्स या जीरो टू सेवन अगर लेंगे तो एट टाइप्स का लॉग यहाँ पर देखने को मिलेगा तो मैं सेवन टाइप्स फ्रॉम जीरो टू सेवन है ध्यान देंगे जीरो टू सेवन टाइप्स के ये मिलेंगे जीरो मीन्स होता है इमरजेंसी अलर्ट वन मीन्स होता है अलर्ट अब ये क्या है सिस्टम इज अनयूज अगर मैं ये पूरा यहाँ पर यूज कर लू ये क्या दिखा रहा है जीरो क्या एक है एक इमरजेंसी है मीन्स तुरंत एक्शन लेना है में भी डिवाइस डाउन हो चुका है कुछ भी ऐसे है वन मीन्स अलर्ट एक्शन है मीन्स इमिडिएट एक्शन लेना है यहाँ पर भी तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर को क्रिटिकल एरर है ओनली एरर है वार्निंग मीन्स चलेगा बट इसको केयर करना है नोटिस है नोटिस आपको बार बार देखने को मिल रहा है क्योंकि आप यहाँ पर भी देखो एक अलर्ट मैसेज है और यहाँ पर क्या मिल रहा है फाइव, फाइव 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 लिखा हुआ फाइव का क्या मतलब है मीन्स एक तरीके का नोटिफिकेशन फाइव है और फाइव में क्या है नोटिस है ना तो नोटिस करो आपकी क्या हुआ है तो कुछ पोर्ट अप या डाउन हुआ है ठीक है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये है और डीबग मीन्स लास्ट का जो है वो डीबग मीन्स ट्रबल सूट करने के लिए डीबग भी आप इनेबल करके रख सकते हो अभी मैं दिखाता हूँ ये टोटल सेवन टाइप्स का वो है जीरो टू सेवन तो अभी मुझे यहाँ पर अलर्ट एक देखने को मिला है जो कि इस तरीके से कुछ और ये पूरा अलर्ट मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर रखता हूँ अब इस अलर्ट में देखो कुछ अपडेट हमें सीखने को मिल रहा है मीन्स यहाँ पर परसेंटाइल है और यहाँ पर लाइन पोर्ट फाइव का एक मैसेज देखने को मिल रहा है और इसका परपज़ यही होता है कि हमारा जो मैसेज है ये डायरेक्टली टाइम स्टैम्प्स भी नहीं हमें देखने को मिल रहा है मींस फैसिलिटी देखने को मिल रहा है दिस इज द फैसिलिटी इंफॉर्मेशन ओके ये क्या दे रहा है कि पर्टिकुलर हमारा जो इंफॉर्मेशन है या जो भी अपडेट है वो क्या कह रहा है तो अप डाउन दे रहा है मीन्स हमारा पोर्ट क्या हुआ है अप डाउन हुआ है मीन्स अप हुआ है ठीक है कह रहा है लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस ये कहां पर हुआ है यहां पर देखो ये क्या बता रहा है ये कहां पर हुआ है इंटरफेस सीरियल जीरो पर और ये क्या हुआ है एक तरीके का अप हो गया है स्टेट क्या हुआ इसका अवस्था क्या हुआ अप हुआ है डाउन हुआ होता तो मीन डाउन लिख कर आता ये सारी चीजें बट ये पूरी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें लाइक like, uh, कैसे समझा जाता है या फिर अगर हमारे सर्वर पर इसी तरीके से सारा मैसेज भरता चला जाए भरता चला जाए और हमें मैसेज मिले बट डेट का ना मिले ध्यान देना बाई डिफॉल्ट यहां पर हमारे पास अपडेट इनेबल तो होता है लॉग जैसा कुछ बट ये अपडेट नॉर्मल अपडेट के लिए होता है यू कैन नॉट ट्रैक योर सीरियल नंबर ऑफ एनी लॉग यू कैन ट्रैक योर टाइम स्टैम्प फॉर्मेट ऑफ एनी लॉग्स है ना एंड फेसिलिटी सिवैटी मिमैनिक डिस्क्रिप्शन बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है दिस इज द डिस्क्रिप्शन ये हुआ क्या है मिमैनिक क्या है लॉग नंबर क्या है ये मिल गया बट यहाँ पर टाइम एरर कितने बज के कितने मिनट का है कुछ ऐसा या सीरियल नंबर लॉग वन लॉग टू लॉग थ्री कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो अगर टाइम नहीं मिलेगा आपके सर्वर पर 2000 लॉग रिपोर्ट मिल गया तो आप कैसे चेक करोगे कि आपकी लॉग या किस डेट की लॉग को मुझे चेक करना है मान लिया कि आप आज की लॉग सबसे लेटेस्ट लॉग देख लिए बट मान लिया कि आप एक महीना पहले या बीस दिन पहले या पर्टिकुलर आज है ट्वेंटी आप चाहते हो फिफ्टीन के लॉग को चेक करना तो फिर प्रॉब्लम रहेगी ना अगर आपको कोई भी रजिस्टर मिले जिसके अंदर लोगों की एंट्री है और उसमें कोई डेट ना डाला हो तो कैसे पता करेंगे कि ये कब आया था है ना समझ रहे हो? हेलो हाँ जी सर समझ रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर सिस्लॉग सर्वर प्रॉपर कन्फिगर कर सकते हैं मेंटेन करने के लिए राउटर वन पर मैं ऐसा एक्टिविटी कन्फिगर करता हूं या फिर फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास राउटर थ्री जो है ये एज अ लॉग सर्वर इस पर इंस्टॉल है तो मैं इसी पर क्या करता हूं एक लॉग सर्विस इनेबल करता हूं अब देखो लॉग सर्वर अगर मुझे इनेबल करना है तो पर्टिकुलर इंटरफेस को हम क्या करेंगे कन्फिग्रेशन मोड पर लेकर जाएंगे और कुछ नहीं करना है लॉग सर्वर का जो रिपोर्ट है वो देखो हंड्रेड डॉट हंड्रेड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉगिंग लॉगिंग और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो यहां पर पूछ रहा है होस्ट अगर कोई पर्टिकुलर सर्वर है तो उसकी आईपी आप दे दो ऑन करना है तो ऑन कर दो जैसे ही आप आईपी देंगे ऑटोमेटिक ये क्या रहेगा ऑन हो जाएगा तो लॉगिंग रिपोर्ट मुझे कहाँ पर देना है यही हमारा लॉगिंग सर्वर है ना क्यों इसको मैंने जस्ट कॉपी कर लिया या यहां पर मैंने इस सर्वर की एंट्री कर दिया यहां पर मेरी लॉग को शेयर करना है ठीक है उसके बाद जस्ट मैं यहां पर लिखूंगा लॉग ट्रैप और क्वेश्चन मार्क लगाओ ट्रैप जस्ट आप डिबगिंग कर सकते हो है ना अभी इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ डिबगिंग ऑप्शन है बट आप जब एक रियल इमेज पर चेक करेंगे तो यहां पर डिबग नहीं बल्कि आपको ये सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर कह रहा है कि आपका डीबग तक का ऑलरेडी एक्टिव रहेगा वर्क करेगा चाहो तो डीबगिंग क्या कर सकते हो इनेबल कर सकते हो भी एनेबल कर सकते हो अपने राउटर पर बट लॉगिंग ट्रैप बस ओनली लिखकर एंटर कर दो पूरा ट्रैप इनेबल है लॉगिंग लॉगिंग एंड मैं होस्ट भी देना चाहूँ होस्ट और फिर सर्वर की आईपी दे सकता हूँ हंड्रेड डॉट हंड्रेड या डायरेक्ट मैंने आईपी दिया डायरेक्ट आईपी दे दिया तो भी ये काम करेगा सो यू यू हैव बोथ ऑप्शन दोनों में से कोई भी आप दे दो तो जस्ट मैंने ये अप्लाई कर दिया अब इसके बाद मुझे क्या करना है क्वेश्चन मार्क सो स्पेस लॉग इन और एंटर कोई भी लॉग रिपोर्ट अगर हमें देखने को मिलेगा अपडेट आएगा तो वह यहां पर भी देखने को मिलेगा ठीक है कोई भी अपडेट होगा तो उससे रिलेटेड अपडेट यहां पर देखने को मिलेगा इन केस अगर मैं इस सर्वर पर आ जाऊं ये है सर्वर यहां पर कोई अपडेट अभी देखो नहीं आया है दो अपडेट आ गया अच्छा हुआ जल्दी आ गया यहां पर दो अपडेट आ गया दोनों अपडेट कहाँ से मिला हुआ है मुझे वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट हंड्रेड डॉट वन से हंड्रेड डॉट वन है कौन यहाँ पर है ना हेलो हंड्रेड डॉट वन ये इंटरफेस है जो हमें अपडेट दिया अपडेट कैसा है क्या है इस पर डबल क्लिक करो और इसके बारे में पढ़ सकते हो इस पर क्लिक करो ये देखो कह रहा है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन है जो कि लॉगिंग टू होस्ट हंड्रेड डॉट हंड्रेड ये सिक्स की इंफॉर्मेशन है और सिक्स की इंफॉर्मेशन में देखो क्या है six में क्या है इंफॉर्मेशनल मैसेज है और इंफॉर्मेशनल मैसेज में क्या डिटेक्ट किया इसने कि लॉग सर्वर की कमांड इनेबल हुआ है क्लियर हुआ हेलो यस सर अगर कोई पोर्ट डाउन होता तो क्या लिख कर आता अपडेट लिख कर आता अपडेट में अपडेट मिलता है ना क्योंकि यहाँ पर अपडेट में ही ऑलरेडी मिल रहा है ये देखो लॉग लॉग मिल गया 5 की इन्फॉर्मेशन है लॉग फाइव में पोर्ट अप डाउन होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती करके देखते हैं अगर मैं यहाँ पर कॉन्फ कॉन्फ्री इंटरफेस सीरियल जीरो जीरो शट कर देता हूँ एंटर करता हूँ देखो अपडेट मिला जी आर पी ब्रेक डाउन हो गया ड्यल एरर है ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा और यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आया थोड़ा सा अपडेट करो रिफ्रेश करो मिल गया अपडेट अब देखो क्या इंफॉर्मेशन मिला सीरियल जीरो हमारा क्या बता रहा है डाउन हो गया डाउन हो गया ये डाउन हो गया मीन्स यहाँ पर भी एक अपडेट देखने को मिला लेकिन अपडेट में हमें थोड़ा सा अगर और अपडेट देखने को मिलता डेट और टाइम भी देखने को मिलता कमांड लॉगिंग सर्वर को इनेबल करने की मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ये बहुत ही इजी है आपको बस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे लिखना है लॉगिंग टू वन या लॉग सर्वर आईपी पी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग सर्वर आईपी ठीक है एंटर कर देना है लॉगिंग ट्रैप लिखकर आप चाहो तो सिवेरिटी लेबल दे सकते हो यहाँ पर जो कि वार्निंग है डीबग है नोटिफिकेशन है अलर्ट है इमरजेंसी है वो जो भी लिखना चाहे आप लिख देंगे रियल इन्वायरमेंट में एंड बस ओनली सिंगल लाइन की कमांड है ये ना दे तो भी चलेगा आपका लॉग सर्वर इनेबल रहता है ये बस कमांड देनी होती है कि किस सर्वर पर लॉग रिपोर्ट को शेयर करना है अपडेट यहां पर मिल गया अगर मैं राउटर थ्री के अंदर सो स्पेस लॉगिंग की इंफॉर्मेशन चेक करूं तो टोटल हमारे पास लॉग कितना आया ठीक तो, है और लॉग सर्वर इस, इस सर्वर पर यह भेजा गया है ये बता दिया कि ये सर्वर कहाँ पर भेजा गया है मतलब लॉग सर्वर हंड्रेड डॉट हंड्रेड पर और यूडीपी पोर्ट फाइव फोर फाइव वन फोर का इस्तेमाल हुआ है ऑडिट डिसेबल्ड और ये इन्फॉर्मेशन मीन जो अपडेट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये है ट्रैप लॉगिंग ठीक है चलो तो हंड्रेड डॉट हंड्रेड पर आप चेक करेंगे तो आपको यह अपडेट मिला और जैसे ही आप इस पोर्ट को वंस अगेन आप आएंगे तो नया अपडेट मिलेगा अब एक बार यहां से मैं दूसरा दूसरा ओपन इसलिए कर रहा हूं ना ताकि मुझे अपडेट मिले बट मेरे को एक अपडेट नहीं मिल रहा है टाइम के साथ का अपडेट नहीं मिल रहा है टाइम टाइम स्टैम्प इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा छोटा सा अपडेट चेंज करना होगा आप यहां पर जस्ट इनेबल कर दो सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग डेट एंड टाइम मिली सेकेंड एंड जो भी इंफॉर्मेशन होती बस अब देखो कुछ अपडेट मिला नया इस सर मार्च फर्स्ट टाइम दिख रहा है मार्च फर्स्ट का टाइम मिल रहा है मीन्स टाइम भी हमें अपडेट होकर मिलने लगा तो अगर टाइम अपडेट होकर मिलने लगा बट ये टाइम क्यों इतना गलत दिखा रहा है क्योंकि अगर मैं चेक करूं सो पे क्लॉक एंटर तो हमारा टाइम मार्च का ही तो है है ना इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क में जो सर्वर होते हैं या जो रैक बेस या सेंट्रल डिवाइसेस होती है उनका टाइम गलत नहीं होना चाहिए अदरवाइज सभी एंड पॉइंट डिवाइसेस जब उसके डेटा को एक्सेस करेंगे तो उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा और टाइम गलत होने की वजह से ट्रबल शूट भी नहीं हो पाएगा एरर अटैक भी नहीं आइडेंटिफाई हो पाएगा ये सारी चीजें प्रॉब्लम आएंगी तो टाइम सेट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या मैनेज करना पड़ेगा हमें मैनेज करना पड़ेगा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल ठीक है एन तो एन अब यहां पर कैसे मैनेज होगा एनटीपी क्या होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ा ये सर्वर होता है बट एन टी पी के बारे में नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्विस टू सिंक टाइम स्टैम्प्स ये क्या करता है डिवाइसेस में नेटवर्किंग राउटर्स डिवाइसेस स्विचेस या जो भी हमारे सर्वर लेवल के डिवाइसेस होते हैं उनके टाइम स्टैम्प को मैनेज करने के लिए होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और बहुत सारे ऐसे टाइम स्टैम्प्स मैनेज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर स्टार्टम लेवल इनका होता है बट उसको आ, कोई अभी मतलब नहीं है हमारे पास जो आई एस पी या सर्विस प्रोवाइडर हैं वहाँ से हमें उनके आईपी एड्रेस वगैरह को अगर हम ऐड कर देंगे टाइम स्टैम सर्वर की जगह तो भी वहाँ से हमें अपडेट मिलता रहेगा क्योंकि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो ऑटोमेटिक टाइम अपडेट देता है हम लोग सिम कार्ड ऐड करते हैं या नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक हम लोग टाइम जोन को सेलेक्ट करते हैं तो लोकेशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक टाइम सेट हो जाता है ना हमें करने की जरूरत नहीं होती है क्यों या होती है पहले के पहले अगर दस साल पहले जाएंगे मोबाइल में मैनुअली टाइम सेट करना पड़ता था नहीं तो उसमें जिस डेट में मोबाइल हमारा कन्फ्यूगर हुआ है उस डेट में वो रहता था हाँ या ना है ना मेरा माउस का जो बैटरी है ना वो डाउन हो चुका है काम नहीं कर रहा है तो अभी हमें क्या करना होता है टाइम मैनेज नहीं करना होता है टाइम ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर एक एन कमांड रन करेंगे जिसके थ्रू जितने भी राउटर हैं सब टाइम सेट हो जाएगा इस सर्वर पर अगर एन देखोगे आप तो टाइम क्या दिखा रहा है ग्यारह नौ इतना हो रहा है ग्यारह बज के दो मिनट हो रहा है और आज है ट्वेंटी डेट ट्वेंटी मंडे नवंबर ट्वेंटी थ्री टाइम गलत है तो हम लोग क्यों ना टाइम शायद ये सही हो बट जो भी है तो टाइम वगैरह तो सही है हमारे सर्वर का बट राउटर का टाइम बिल्कुल गलत है राउटर का टाइम दिखा रहा है एक मार्च तो हम लोग क्या कर सकते हैं एन सर्विस तो यहाँ पर एनेबल ही है तो क्यों ना अपने राउटर पर एन को क्या कर दें confetti, NTP server, one ninety two one sixty eight hundred dot hundred, ठीक है NTP update calendar अपडेट कैलेंडर वगैरह भी अपडेट दे दो उसके बाद सो क्लॉक अपडेट में अभी टाइम अपडेट में वो और इन सब चीज़ों में भी दिक्कत हो रही है कुछ नहीं अगर हम दस पंद्रह मिनट वेट करेंगे तो ये कमांड काम करेगा तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से अभी हो रहा है एक घंटा हुआ इसको दस मिनट तक फॉरवर्ड कर देते पांच मिनट दस मिनट अब हो गया होगा ऑटोमेटिक टाइम सेट हो गया होगा हो गया हमें मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम दस डिवाइसेस पर मैन्युअली चेंज करेंगे तो दस का टाइम अलग अलग आएगा है ना आप चाहो तो राउटर पर मैन्युअली टाइम सेट कर सकते हो कोई भी एक डिवाइस लो मैं हालांकि एक अलग राउटर ले लेता हूं एंटर करो यहां पर और ये क्या बड़ा राउटर का इमेज मैंने ले लिया क्या देखो सो स्पेस क्लॉक एंटर अभी क्या है मार्च का ही टाइम दिखा रही है सब अगर मैं लिखू क्लॉक सेट और क्वेश्चन मार्क लगा दू पूरा सेटअप इसको मिल जाएगा और क्लॉक सेट के आगे क्लॉक सेट के आगे आप आर्स में सेट करो पहले आर्स दे रहा है तो अभी मान लिया मैंने ग्यारह बजकर ये इलेवन जीरो जीरो मैंने मिनट सेट किया सेकंड में कर देता हूँ या मिनट में कर देता हूं इलेवन इलेवन और इलेवन ठीक है ऐसे और आज है ट्वेंटी नवंबर टू टू थ्री सेट हो गया ये सेंटेक्स अगर मैन्युअली आपको सेट करना है तो अदरवाइज बस आप यहां पर एनटीपी सर्वर आईपी दे देंगे एन टीपी अपडेट कैलेंडर तो आपका एनटीपी अपडेट यहां पर हो जाएगा ये कमांड्स है तो अभी एक राउटर पर हो गया दूसरे राउटर पर मुझे जाना है एनेबल करना है सो स्पेस क्लॉक सेट करना है टाइम वही है तो मैं यहां पर भी क्या कर सकता हूँ कन्फिग्रेशन मोड में एनटीपी सर्वर और मेरा जो सर्वर है हंड्रेड डॉट हंड्रेड से रिसीव लेना है इसको एन अपडेट कैलेंडर थोड़ी देर वेट करेंगे सो स्पेस क्लॉक में जाकर आपका अपडेट हो चुका होगा इसको भी फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो ये थोड़ा टाइम लेता है इन सब प्रोटोकॉल्स में थोड़ा टाइम लगता है जैसे इधर भी फॉरवर्ड किया तो वैसे इधर भी थोड़ी देर फॉरवर्ड करके अब देखना तुरंत इसका रिजल्ट चेक करोगे तो अपडेट नहीं दिखाएगा बट थोड़ी देर बाद चेक करोगे तो अपडेट दिखाएगा सारे राउटर पर ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी आपका राउटर है आप एक सर्वर को एन टी पी बना कर रखो एन टी पी मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर से आप एन टी पी डेटा या सर्वर ले, ले सकते हो कि आई पी क्या है बाकी बाय डिफॉल्ट आपका जो सर्विस प्रोवाइडर का डी एन एस होता है ये सारी चीजें होती है उस, उसको उसको भी अप्लाई कर सकते हो आई एस पी से पूछ सकते हो कि मुझे एनटीपी अपडेट लेना है सब चीजें कर सकते हैं राइट ये सारी चीजें तो हमारा टाइमर भी अपडेट हो गया अब अगर कोई भी लॉग हमारे सर्वर पर जनरेट होगा अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं के अंदर तो अभी देखो हमारा टाइम स्टैम्प बनने लगा और सही टाइम बनने लगा हमारा आई थिंक अब कोई भी अपडेट आएगा तो ये मार्च वगैरह का जो 1993 का डेटा था ये हट जाएगा और हमारा डेटा जो आएगा वो क्या आएगा रियल टाइम हाँ रियल टाइम का आएगा ये चीज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे केयर करेंगे अब देखो ये दो चीजें आपने देखा कि नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज़ को मैनेज करने में हेल्प मिल रही है बट ऐसे ही हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी बेस पर ऑडिट किया जाता है जो कि यहीं पर मैं ऐड करता हूँ बहुत छोटी छोटी सर्विसेस में आ जाते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यही है फुल फॉर्म इसका एस का सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसका भी काम क्या होता है ये रियल टाइम बेस्ड नेटवर्क पर काम करता है और आपका सिस्लॉक किस पर था हेलो सिस्लॉक किस प्रोटोकॉल बेस पर वर्क करता था यूडीपी था आपने हेलो नहीं सर ओहो अभी मैंने दिखाया था इधर ऊपर की कहाँ पर डेटा बेस में क्या है पोर्ट वन फोर छोटे फोर्ट फाइव थे तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं लाइक एस एन एम पी ये टी सी पी बेस्ड नेटवर्क है टी सी पी आई पी बेस्ड नेटवर्क टी सी पी आई पी नेटवर्क एंड यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क डिवाइसेस ये डिवाइसेस को मॉनिटर एंड कंट्रोल मींस उसको कन्फिगर करने के लिए भी यूज किया जाता है मींस नेटवर्क एडमिन कैन अप्लाई रिमोट कमांड ओके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है रिमोटली कमांड अप्लाई कर सकता है मीन्स रिमोट कमांड अगर कुछ देना है कि हमारे डिवाइस पर ये अपडेट हो जाए तो आप एस एन एम पी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो तो इसमें क्या होता है कि आपके जो भी स्टैटिक्स होते हैं ना उसको मॉनिटर और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है बट एस एन एम पी क्या करता है एस एस एन एम पी टूल्स में तीन टूल मिलते हैं पहला आपका मिल जाता है एस एन एम पी मैनेजर सेकेंड आपका मिल जाता है एस एन एम पी एजेंट इसके बारे में कोई पूछेगा नहीं इतना डेप्थ में और तीसरा हमारा आ जाता है एमआईबी प्रोफेशनल इंटरव्यूज में जाएंगे तो पूछा जा सकता है बाकी इसके आगे जब कॉन्फ़िगरेशन है तो वो सी सी एन एस भी पूछा जाएगा तो एस एन एम पी मैनेजर क्या करता है ये एक तरीके का बोल सकते हो कि जो भी हमारे एस एन एम पी मैनेजर सिंपल मैं थोड़ा सा लिखता हूं इसको मैनेज ये मैनेज करता है नेटवर्किंग डिवाइसेस यूजिंग वेरियस नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल लाइक PRTG, Wireshark, etc. इन सब डिवाइसेस या टूल्स पर आप काम करेंगे तो एस एन एम पी बेस्ड नेटवर्क ट्रबल सूट मैनेज करने में आप कैपेबल रहेंगे तो पीआरटीजी का ऑलरेडी मैंने लेक्चर दे रखा है सार्क मैं दो तीन बार आपको दिखा चुको, चुका चुका हूँ अभी वायर सार्क का काफी डेप्थ हम लोग एनालिसिस और चीजें करने वाले एक बार ठीक है ताकि अच्छे से वायर सार्क और बढ़िया से समझ में आ जाए एस एजेंट जो होता है एक तरीके का ये इट्स अ सॉफ्टवेयर इट्स अ सॉफ्टवेयर विच वर्क इन डिवाइसेस जो किसमें काम करता है जो काम करता है आपके डिवाइसेस में जैसे जो भी हमारा राउटर है राउटर सॉफ्टवेयर या अदर डिवाइस सॉफ्टवेयर जो एम कैपेबल होते हैं राइट मीन्स एस एन एम पी कैपेबल डिवाइसेस होती हैं तो एम आई बी क्या होता है टूल होता है एम आई बी क्या होता है इसका फुल फॉर्म बोल सकते हो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस और ये क्या है बोल सकते हो कि ये एक तरीके का मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन एजेंट एंड मैनेजर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन मैनेज कर रहा है ये हमारा एमआईबी होगा अब एमआईबी क्या होता है एक टूल होता है कोई भी जैसे आपको वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन लेना है है ना तो वेबसाइट पर हमारा पूरा प्रोटोकॉल कोड सब डिजाइन होगा कोड राइट होगा वहाँ डेटा रखा जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर्विस इनेबल करते हैं किसी भी अपने कंप्यूटर से सर्विस को एक्सेस करते हैं वेबसाइट को और कोई ना कोई टूल उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो उस वेबसाइट और हमारे कंप्यूटर दोनों के बीच में क्या करता है वो मीडिएटर का, का काम कर रहा होता है कम्युनिकेशन मैनेज करने का काम कर रहा होता है तो एम आई बी कुछ इस तरीके से वर्क करता है एम आई बी के लिए या कोई भी ऐसे टूल्स के लिए आप जैसे पी आर टी जी ले सकते हो पी आर टी जी सर्वर का एक मैंने स्क्रीन विजिबल है क्या अभी सर विजिबल है ये टूल इसके बारे में आप पढ़ सकते हो मैंने उसमें ऐड किया है अब देखो यहाँ पर ये जो इधर सर्वर पर कुछ काम चल रहा है और इधर हम डिवाइसेस का हेल्थ और सारी चीजें चेक कर पा रहे हैं ना मैं यहीं से सेंसर को कंट्रोल भी कर सकता हूँ ट्रिगर भी कर सकता हूँ देखो यहाँ पर अगर कोई डिवाइस का पिंग डाउन हुआ तो उसने बता दिया है ना देख रहे हो आप क्या एरर है कैसे है उस चीज को आप यहां से तुरंत डिटेक्ट कर सकते हो पिंग अप हुआ यहाँ पर जैसे ही मैंने आईपी वगैरह देकर अप किया यहाँ पर देखो एक्टिवेट हो गया अप हो गया है ना मीन्स आप यहां से बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस और सारी चीजों को मॉनिटर कर सकते हो थोड़ा सा जब इसमें आप टाइम देंगे तभी इसको समझ पाएंगे ऐसे दिखाने से नहीं देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर सेंसर्स कैसे क्या करना है लाइब्रेरी है, है, है रिपोर्ट निकालना है लॉग्स निकालना है इसमें लॉग सर्वर रिपोर्ट एनालाइजर सब का काम चलेगा प्लस इसमें आप एज अ मीन्स रिमोट कमांड ऑपरेट करने के लिए ये सब चीजें यहीं से दे सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो इस टूल के थ्रू विंडोज मशीन को लिनेक्स मशीन को हाइपर मशीन को मीन्स वर्चुअलाइजेशन की मशीन को मैक ओएस को प्रिंटर को जितनी भी डिवाइसेस है सभी को यहीं से देख सकते हो और किस डिवाइस पर क्या चल रहा है वो सब यहाँ पर आपको डिटेक्ट करके दिखाएगा कोई सेंसर सेंसर अगर आपने नया इनेबल किया डिटेक्ट नहीं है तो सेंसर में आप क्या कर सकते हो उसको चेक कर सकते हो समझ में आया क्या है क्या चीज कितना काम कर रहा है देखो वर्चुअल मेमोरी कितना एक्टिवेट है कितना मेमोरी फ्री है सब बता रहा है ये मैंने एक पूरा लैब सेटअप करके दिखाया था जिसमें राउटर स्विच सब लगाया हुआ था उसका ये पूरा लाइव सेशन है है ना देखो यहाँ पर सब दिखा रहे हैं ना मेमोरी कितना है कमिटेड कितना है कितनी देर से डिवाइस ऑन है सब बता रहे हैं ना तो जब इंडस्ट्री लेवल पर जाएंगे तो ये सब आइडिया होना चाहिए इंटरनल ट्रेनिंग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको बाहर से ही सीख कर जाना है कंपनीज में कुछ सिनेरियोज होते हैं जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं कि नहीं ये आ, टास्क और ऐसा कुछ है तो इंटरनल ट्रेनिंग या सारी चीजों के लिए टाइम मिलता है क्लियर है हेलो सर ये सारे टूल क्या फ्री रहते हैं नहीं फ्री नहीं है कंपनी में बाई किया जाता है कंपनी जो भी टूल होगा उसके लिए जो भी अच्छा वेंडर उसको मिल जाएगा उससे वो खरीद लेती है जैसे अभी किसी ने बोला ना कि उनके वहाँ एचपी का या कुछ क्या बोला था कुछ इस्तेमाल होता है एचपी ने नमाई हाँ

हमारा जो ट्रिगर होता है ना पर्टिकुलर डिवाइस और एस एन एम पी मतलब की टूल जो सर्वर पर वो मैनेज किया जाता है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप या बो, बोला जाए कि वो तुरंत इंस्टेंट में भी नहीं ले ले पाता है कुछ रीजन बस या ट्रैफिक बस या प्रॉपर बैंडविथ या कोई ऐसा नेटवर्क इशू की वजह से राइट ये भी हो पर सकता इसको है फिक्स करने के लिए दोबारा को करना होता है फिर चलता है ठीक रिकनफिगर हाँ, करने का मतलब आप उसको सिंक करा रहे हो है ना यस हाँ, हाँ. तो या तो आप कुछ टाइम बाद देखते होंगे तो ऑटोमेटिक वो अप दिखाता होगा बट एक लंबे टाइम पर या कुछ टाइम तक वेट और ये सारी चीजें करने के बाद हाँ, पर ये है तो पे तो उसको तो सप्रेस करना ही होता है तो तुरंत करना होता है ज्यादा टाइम नहीं हाँ तो ऐसा कुछ अगर दिखा रहा है देखो ये मॉनिटरिंग है सेंसर डिटेक्ट तुरंत हो सकता है अगर टाइम लग रहा है जो कुछ भी है तो अपडेट हमें मिल जाएगा वो लॉग सर्वर से मिल सकता है या यहीं से पीआरटीजी या जो भी टूल है उसके थ्रू मिल जाएगा या हमें थोड़े थोड़े समय पर अपने आ, इस टूल को क्या करना होता है रिफ्रेश या लिंक को एक्टिवेट रीलॉग इन है ना इसको भी तो अपडेट और सिंक कराना पड़ेगा मान लिया कोई नई डिवाइस अटैच हुआ वो तुरंत यहाँ पर अपडेट नहीं आएगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा सिंक करना पड़ेगा कभी कभी मान लिया कि कोई एस एन एम पी डिवाइस डाउन है या एस एन एम पी अप है बट यहाँ पर अपडेट नहीं दिखा रहे तो हो सकता हो नेटवर्क चेंज हुआ हो आई पी चेंज हुआ हो कुछ है ना तो वो अपडेट लेने में टाइम लगा है कुछ हो सकता है ऐसा पुरानी लॉग को लेकर वो मेंटेन कर रहा हो बट नई लॉग में उसने अभी रिफ्रेश नहीं किया तो जब रीसेट करते हैं आप बोल रहे हो तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा का पूरा एक नया सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है तो फिर अपडेट मिलने लगता है ठीक है तो एक तरीके का गैप अपडेट इन सब चीजों की वजह से ऐसा एरर आता है ठीक है चले आगे अभी तो एस एन एम पी का जो हम लोगों ने यहाँ पे मैनेज किया ये अब देखो एस एन एम पी एक सिस्को टूल में प्रोवाइड होता है जिसके अंदर एस एन एम पी के दो वर्जन देखने को मिलते हैं है ना एस एन एम पी वर्जन की अगर बात करें एक वी वन एंड एक वी टू और एक वी वी थ्री है तो तीन वर्जन बट दो वर्जन मैंने क्यों बोला क्योंकि वी वन और वी टू दोनों सेम है कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा बोथ आर सेम देयर इज नो एनी इंक्रिप्शन है ना वी वन एंड वी टू में कोई इंक्रिप्शन नहीं मिलता है बिटवीन डिवाइस एंड मैनेजर तो अगर कोई भी बॉट से इंटरनेट पर ऐसा कोई हैकर अटैकर का एक्टिविटी चल रहा है और वो आपके किसी भी प्लेन टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन का लेन देन हो रहा है आपके राउटर डिवाइसेस के बीच में अगर वो हैकर के पास चला जाए तो पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो बेटर है कि अगर ऐसा कोई कम्युनिकेशन चल रहा है तो वर्जन थ्री पर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल जाता है इंक्रिप्शन का है ना डेटा यहाँ पर इंक्रिप्ट हो जाता है और जब भी हमारा डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है तो उसको रीड कर पाना बाय अनोन यूजर इट्स नॉट पॉसिबल राइट तो ऐसी कंडीशन में जो इनक्रिप्शन होता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल के थ्रू एम डी फाइव है ना? Okay. जैसे इंक्रिप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है और यहाँ पर टोटल जो कन्फिगरेशन होगा जैसे यहाँ पर आप देखो क्लिक करके मैं मान लिया कि इस राउटर ये जो राउटर टू है इसमें मैं कोई अपडेट लेना चाहता हूँ तो मैं इसी टूल पर एम ब्राउजर को इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर वन नाइनटी टू हंड्रेड डॉट वन और एस तो पहले मुझे इनेबल करना पड़ेगा एस की प्रॉपर्टीज़ भी होती है एक रीड कम्युनिटी होता है और एक राइट रीड कम्युनिटी ओनली रीड रिमोट डिवाइस एक मिनट रिमोट डिवाइस डेटा एंड राइट कम्युनिटी कैन रीड एंड राइट बोथ दोनों कर सकता है उसमें अगर कोई रिमोट अपडेट देना है तो भी कर सकता है तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले तो राउटर टू जो है इसमें एस एन एम पी सर्वर क्वेश्चन मार्क कम्युनिटी इनेबल करना होगा और कम्युनिटी में रीड का आर ओ देकर एंटर कर देता हूँ देखो आर ओ इनेबल कर दिया स्टार्ट हो गया और राइट की भी कम्युनिटी के लिए मैं यहां पर दे देता हूँ डब्ल्यू आर आई टी राइट लिख देता हूँ आप रीड राइट लिखो या कुछ और लिख सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है और मैं आर डब्ल्यू कर दिया एंटर रीड एंड राइट अब मैं एम आई बी ब्राउजर पर अगर आ जाऊं इस पर नहीं सर्वर पर और यहां पर वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट राउटर की आई पी एडवांस में आकर वर्जन वन की जगह वर्जन थ्री सेलेक्ट कर लू रीड की कम्युनिटी मैंने दिया है रीड और राइट की कम्युनिटी मैंने दिया है राइट अगर राइट एमपटी रखेंगे तो आप कुछ अपडेट भेज नहीं पाएंगे ठीक है तो इसलिए मैंने दोनों फिल किया और यहाँ पर हमारे पास डेटा मिल गया करेंट हमारे राउटर का नेम क्या है आर थ्री है ना बट मैं इसको यहीं से क्या करता हूँ राउटर आई के अंदर देखो हम रीड कर पा रहे हैं तो बहुत से ऐसे टूल होते हैं जो आप टूल बता रहे हो एचपी का या जो मैं एम आई बता रहा हूँ इसके भी थ्रू आप ये सब चीज़ें उसके अंदर एक्सेस कर पाते हैं डिवाइसेस के इंफॉर्मेशन को तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन में अगर हम देखें क्या अपडेट है तो सिस्टम डिस्क्रिप्शन गेट करेंगे गो करेंगे सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है कितनी देर से अप है तेईस घंटे से ये डिवाइस अप है नेम क्या है आर थ्री है वैल्यू यहां पर कुछ नहीं है इंटरफेसेस के बारे में देखना है राउटिंग टेबल या टेबल की एंट्री देखना है वो सब देख सकते हो इंटीजर कोई वैल्यू है डिस्क्रिप्शन में कौन से पोर्ट हैं स्पीड कितना कितना स्पीड का है मैक एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन अब आईपी का डेटा निकालना है तो आईपी की एंट्री यहां से मिल जाएगा राउटर के आईपीज की एंट्री पूरी एंट्री है ना ये अगर मान लिया कि मैं राउटर का नेम यहां से चेक कर रहा हूं आर थ्री और मैं यहीं से गेट की जगह सेट लिखू और सेट की जगह मैं ऑक्टेल स्ट्रिंग पर यह काम कर रहा है तो ऑक्टेल स्ट्रिंग सेट करूं और यहां पर मैं लिख दू आर ओ यू राउटर थ्री और ओके OK करके गो कर दूं तो यहां पर देखो राउटर थ्री हो गया और रियल डिवाइस पर भी अगर मैं चेक करूंगा एंटर करने के बाद तो यहां पर क्या लिखा लिख आएगा राउटर थ्री एस एन एम पी भी क्या किया जाता है नेटवर्क की हेल्थ नेटवर्क बड़े नेटवर्क के अंदर इन सभी प्रोटोकॉल्स को नेटवर्क मैनेज करने के लिए डिवाइस मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग यूज कर सकते हैं मैं नोटबुक और सारी चीज़ें ये शेयर कर देता हूँ बॉक्स में मैंने शेयर किया मिल गया क्या सबको देखिए मिल गया सबको गया। अभी अपलोड हो रहा है हो गया इसको देखिए और प्रैक्टिस करेंगे करें सेशन मिल गया सभी को सर कोईट गुड नाइट सर गुड नाइट